नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। क्यों जरूरी होते हैं कुल देवता, कैसे करें उनका ध्यान। कुल अर्थात आप्त संबंधों से एकत्र आए एवं एक रक्त संबंध के लोग। जिस कुल देवता की उपासना आवश्यक होगी उस कुल में व्यक्ति जन्म लेता है। मूलाधार चक्र, शक्ति अथवा कुंडलिनी, कुल धन देवता अर्थात ऐसे देवता जिसकी उपासना से मूलाधार चक्र में विद्यमान कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तथा आध्यात्मिक प्रगति आरंभ होती है। कुल देवता की उपासना का इतिहास। कुल देवता की उपासना का आरंभ वेदोत्तर एवं पुराण पूर्व काल में हुआ। कुल देवता की साधना द्वारा आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक उन्नति करने वाले हैं। कुल देवता का नाम जप करने का महत्व। भवसागर के गंभीर रोगों से बचने हेतु अर्थात अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के मार्गदर्शन अनुसार साधना करना आवश्यक है, लेकिन ऐसे उन्नत व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं। 18% तथा कथित गुरु वास्तव में गुरु होते ही नहीं। अनेक देवताओं में से कुल देवता ही हमें अपने लगते हैं। वे हमारी पुकार सुनते हैं एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु उत्तरदायी होते हैं। कुल देवता का रुष्ट होना। आध्यात्मिक उन्नति करने की क्षमता होने पर भी यदि कोई व्यक्ति साधना नहीं करता तो कुल देवता उस पर क्रोधित होते हैं, लेकिन सामान्यतः उस व्यक्ति को इस क्रोध का भान नहीं होता। इसलिए कुल देवता कुछ व्यवहारिक अड़चनें उत्पन्न करते हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन अड़चनों का निराकरण न कर पाने पर वह व्यक्ति किसी उन्नत पुरुष से, संत अथवा गुरु से पूछताछ करता है। उन्नत पुरुष द्वारा कुल देवता की उपासना बताए जाने पर एवं उसके अनुसार उपासना आरंभ करने पर कुल देवता अड़चनों का निराकरण करते हैं एवं उपासना में सहायता भी करते हैं। कुल देवता का या कुल देवी का किसका जाप करें। एक, केवल कुल देवता होने पर उन्हीं का एवं केवल कुल देवी के होने पर कुल देवी का नाम जाप करना चाहिए। यदि किसी के कुलदेव एवं कुलदेवी दोनों हों तो उन्हें कुलदेवी का जप करना चाहिए। इसके पीछे कारण होते हैं। बचपन में माता पिता दोनों के होते हुए भी हम माता के साथ ही अधिक हट करते हैं, क्योंकि माँ हमारे हट को शीघ्र पूर्ण कर देती हैं। उसी प्रकार कुलदेवता की अपेक्षा कुलदेवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। कुलदेवता की अपेक्षा कुलदेवी पृथ्वी तत्व से अधिक संबंधित होती हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए परात्पर गुरु का दिया नाम 100%, कुलदेवी का 30%, तो कुलदेवता का नाम 25% पूरक होता है। कुलदेवता का नाम जप करने की पद्धति। कुलदेवता के नाम से पूर्व श्री लगाएं, नाम को संस्कृत व्याकरणानुसार चतुर्थी का त्याय लगाएं एवं अंत में नमः बोलें। उदाहरणतः कुलदेवता गणेश हो तो श्री गणेशाय नमः, कुलदेवी दुर्गा हो तो श्री दुर्गाय नमः। बोलना कठिन है इसलिए दैव्य त्यय लगाकर श्री दुर्गा दैव्य नमः बोलें। नाम जप कितना करना चाहिए। कुल देवता का नाम जप प्रतिदिन न्यूनतम 1 से 2 घंटे एवं अधिकतम अर्थात निरंतर भी करना चाहिए। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।